आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि प्रभु ने हमें दिन भर संभाला और एक सुंदर शाम को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। तो हम सब मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, और सच में हमारा परमेश्वर महान है। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। नहीमिया 8:10 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। आमेन। सच में परमेश्वर हमसे कहता है, तुम उदास मत रहो, तुम निराश मत रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आकर उन उदासियों को, उस निराशा को हमारे जीवन से दूर करेगा। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से दुआ करें इस वचन के अनुसार। और जितने भी लोग हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब में, और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर से हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। धन्यवादी है परमेश्वर कि आपने आज दिन भर में परमेश्वर हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुर्घटना से, हर एक नजर से, हर एक मुसीबतों से आपने हमें बचाकर इस समय को दिखाया परमेश्वर, कि हम आपके नाम का धन्यवाद कर सके, आपके नाम को प्रेज कर सके परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और बड़ाई कर सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, दयालु परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं। और सच में पिता परमेश्वर, आपका प्रेम अगापे है परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आप हमारे लिए प्रभु इस धरती पर आए प्रभु, आपने हमारे लिए अपने आप को दिया, और पिता परमेश्वर हमारे लिए आप मुर्दों में से जिलाए गए परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि आप मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु, और आप जीवन देने वाले परमेश्वर है पिता। सच है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक जन को तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हर एक को आज के दिन में संभाला परमेश्वर पिता, और ये समय हर एक के जीवन में जोड़ा परमेश्वर। प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर, जो आज दिन भर में प्रभु उदास रहे प्रभु, निराश रहे, और प्रभु जिनके जीवन में उदासी है, निराशा है, प्रभु यीशु आपके वचन के अनुसार आप अपने आनंद को पिता उनके जीवन में दें प्रभु जी, और पिता आपका आनंद उनका दृढ़गढ़ ठहरे पिता परमेश्वर पिता। आप हरेक की उदासी से प्रभु से बाहर निकाल कर अपने आनंद से भरे पिता परमेश्वर। यदि कोई पिता परमेश्वर अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में उदास है, निराश है परमेश्वर, आप प्रभु उनके दृढ़गढ़ ठहरे पिता परमेश्वर, आप उनको आनंद से भरे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हर एक उदासी, हर एक परेशानी यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनके जीवनों से दूर करते हैं पिता परमेश्वर। चाहे प्रभु वो किसी भी प्रकार की उदासी हो, किसी भी प्रकार की निराशा हो, किसी भी प्रकार की असफलता हो, यीशु मसीह आप उनके जीवन में इन सारी गड़बड़ियों को दूर करें, इन सारी परेशानियों को दूर करें, और उन्हें अपने आनंद से भरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आप हर एक की सुधि ले प्रभु। यदि पिता परमेश्वर आज कोई भी प्रभु बीमार है, तो आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु, और उस उदासी को उनके जीवन से ले लीजिए, उस बीमारी को उनके जीवन से ले लीजिए, और उन्हें चंगा करके अपने आनंद से प्रभु उन्हें भरिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो अपने रिलेशनशिप में प्रभु उदास है प्रभु जी, और घर में प्रॉब्लम चल रही है पिता परमेश्वर, उस रिलेशनशिप में परमेश्वर आप अपने आनंद को दीजिए, अपने प्रेम भलाई को दीजिए, और उनका दृढ़गढ़ आप ठहरे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक जन जो आपसे प्रार्थना करता है प्रभु, उनके हर एक गलत बातों को, उनकी हर एक निराशा को आप उनके जीवन से दूर करें, और अपने आनंद से हर एक को भरें। विशेषकर आप प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की रात के लिए प्रभु, कि हर एक जन को पिता परमेश्वर आप मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई हर एक के जीवन से होने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज की पूरी रात को हम आपके हाथों में दे देते हैं, नींद भी आपकी ओर से आती है प्रभु। यदि किसी को नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से हम प्रभु आपके वचन को अनाउंस कर दें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि नींद भी यहोवा के ओर से होती है। यीशु मसीह हर एक को आप अच्छी नींद प्रदान करें। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।